नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया की सबसे कॉम्पैक्ट ईवी है, इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वो है कॉम्पैक्ट ईवी जो कि एमजी की है। जी हाँ, बहुत छोटी कार है, दिखने में एकदम कंसेप्ट कार जैसी है। बिल्कुल आप थोड़ा सा लुक्स और डिजाइन देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स है इसका। टू डोर्स है इसमें केवल, तो उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, कितनी रेंज प्रोवाइड करेगा और कितने टाइम में चार्ज होगा, इसकी कम्प्लीट डिटेल्स हम लोग आज बात करने वाले हैं सर से। विनय हमारे साथ में। विनय सर, तो ये मिनी कॉम्पैक्ट सेगमेंट है अपना ZS कॉमेट, जिसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो 17.3 किलोवाट की बैटरी आती है। नॉर्मली 17 यूनिट के हिसाब से आप इसका चार्जेबल करते हैं। 230 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, बट इजीली आपको ये इको मोड के ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो 200 की रेंज इजीली निकालती है वन टाइम चार्जिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से दी हुई है की कुछ तरीके के लॉक अनलॉक फीचर्स हैं। इसमें पुश बटन स्टार्ट सब में पुश बटन नहीं है, ब्रेक पेडल के थ्रू आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सेंटर में आप देख पा रहे होंगे प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट। जब भी गाड़ी को आपको स्टार्ट करना है तो इसमें ऑन ऑफ करने के लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ है या ना कोई की दी हुई है। आपको सिर्फ अपने ब्रेक पेडल को दो बार प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस कर देंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो इस तरह की प्रोफाइल है गाड़ी की। अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप कंप्लीट एक कनेक्टेड DRL दी हुई है। इस कनेक्टेड DRL का फायदा ये है कि ये कंप्लीट स्टार्टिंग से और एंडिंग तो एक सिंगल DRL, तो उससे लुक काफ़ी अच्छा एनहांस होता है। साथ ही साथ बीच में नीचे यहाँ पे MG का लोगो दिया हुआ है, तो लोगो की यहाँ पे भी इसकी लाइट कनेक्टेड है और ये भी LED है, तो उससे अच्छा लुक आ जाता है इसका। और चार्जर की अपन बात करें तो फ्रंट पे इसका चार्जिंग के लिए दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ से पूरा फुली आपका नॉर्मल प्लग चार्जर होगा, जो कि हम आपको एक चार्जर इसके साथ में फ्री देते हैं। 7 आवर्स में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी। अभी हम आ गए गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट ईवी में इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में मैंने आपको बताया 3 कलर्स में अवेलेबल है यहाँ पे कंप्लीट। इसमें ग्रे है, थोड़ा क्रीमिश और प्योर व्हाइट आपको दिखेगा, एकदम व्हाइट कलर में आपको मिल जाएगा इंटीरियर कंप्लीट इसका गाड़ी का देखोगे तो। यहाँ पर थोड़े से फीचर बताता हूँ आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं। वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है कंप्लीट। यहाँ पे 10.27 इंच की 2 स्क्रीन दी हुई है अलग अलग। एक है जिसमें आपको कंप्लीट इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है पूरा। उसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसका इंटरनेट है कंप्लीट जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो उसमें आपको टेम्परेचर वगैरह बाहर का जो भी सब चीज़ें वो सब मिलने वाली है। इसमें ऑडोमीटर है, डिजिटल ऑडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है आपको। ऑडोमीटर की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ऑडोमीटर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 10.27 का डिजिटल ऑडोमीटर है और वो कंप्लीट टच स्क्रीन है। ये टॉप मॉडल में मिलने वाला है आपको। इसमें आपको जो फीचर्स दिए हुए हैं वो बता देता हूँ। सेंटर में आप देख पा रहे होंगे प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट। जब भी गाड़ी को आपको स्टार्ट करना है तो इसमें ऑन ऑफ करने के लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ है या ना कोई की दी हुई है। आपको सिर्फ अपने ब्रेक पेडल को दो बार प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस कर देंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ यहाँ पे और भी आपके ट्रिप वगैरह ऑडोमीटर और कितना बैटरी चार्ज है आपकी यहाँ पे भी ये दिखा देगा। 15% बैटरी है और कितना रन कर जाएगी, 30 किलोमीटर से रन कर जाएगी इको मोड में। ये बटन सिंपली काम आता है कि कौन से मोड में आपको गाड़ी रन करनी है। 3 मोड्स है इसमें, तीनों मोड्स में रन करोगे, जिस भी मोड में आप रन करोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जो बैटरी का बैकअप है वो कम होता जाएगा, रेंज आपकी कम प्रोवाइड करे जितना आप स्पीड में रन करोगे इसको। साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसके AC के वेंट्स दिए हुए हैं कुछ कंप्लीट ब्लैक प्लस सिल्वर के क्रोम लाइन के साथ में। यहाँ पे AC के वेंट्स की डिज़ाइन दी गई है काफ़ी यूनिक और कुछ अलग से डिज़ाइन आपको दिख जाती है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखोगे तो ये AC के वेंट के पास में एक कप होल्डर भी दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी आपको ग्लव बॉक्स नहीं दिया है। ग्लव बॉक्स के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, कोई छोटा मोटा आप अगर फोन वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहें तो की वगैरह आपको रखनी है तो वो रख सकते हैं, सिर्फ इतना ही स्पेस है इसके अंदर। नेक्स्ट में आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। ये अभी न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है मोड चेंज करने के लिए कंप्लीट, तो नो न्यूट्रल में गाड़ी है। यहाँ पे इसका ड्राइव मोड है, ये रिवर्स मोड और ये चार्जिंग जब होगी तो ये वाला ब्लिंक करेगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको पावर विंडो है दोनों साइड, इसमें दो ही डोर है, दोनों डोर को पावर विंडो दिया हुआ है दोनों में। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग में कंप्लीट लेदर से कंप्लीट रैप किया हुआ है इसको, क्रीमिश लेदर ये कंप्लीट इस लेदर से रैप किया हुआ है। काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट है तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इससे। स्टेयरिंग कंट्रोल में आपको दिखाऊँ, लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स हैं, उनसे आप अपना ट्रिप मीटर ओडोमीटर आपको शो हो जाएगा। ट्रिप मीटर वगैरह जो ट्रिप है आपकी वो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो मीटर स्पीड क्या रहेगी आपकी कंप्लीट, आपका कितना रन किया आपने, पावर कौन से रन कर रहे हो आप, वो सब कंप्लीट दिखा देगा यहाँ पे। साथ ही साथ जो इस साइड में कंट्रोल्स हैं ये आपके जो आपके सॉन्ग्स वगैरह कंट्रोल्स करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, सबके लिए काम आने वाला है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्टीयरिंग को ये भी इसमें दिया हुआ है, अप और डाउन कर सकते हैं आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको। पेस काफ़ी सही दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरी हाइट है वो 5'8" के अराउंड है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टॉप में मैं अगर गाड़ी रन करूँगा तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है मेरे को हेड में भी, और लैग में भी काफ़ी अगर मैं थोड़ा और आगे भी करना चाहूँ उसको करके भी आराम से रन कर सकता हूँ। स्टेयरिंग वगैरह के लिए भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। थाई स्पेस की बात करें तो थाई में भी ठीक है, सफिशियंट है। सीट में कंफर्ट वगैरह कुशन वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सीट क्वालिटी देखोगे तो आप वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। अब बात कर लेते हैं बैक साइड के बारे में, बैक में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं इसमें।
बैक में एंट्री करने के सिंपल सा ऑप्शन है, पीछे कोई डोर नहीं दिया हुआ है आपको, तो बैक में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे ये लीवर दिया हुआ है, इसको आप ये पुश करोगे तो थोड़ा सा सीट यहाँ पे आपकी डाउन हो जाएगी, और उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा जब आगे कर दोगे तो यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी उसमें, यहाँ से एंट्री करके और मैं यहाँ से आराम से अपने गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूँ। पीछे पीछे की अगर मैं बात करूँ आपसे तो पीछे इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, बट हाँ लॉन्ग जर्नी में आई थिंक जो लंबे लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बट हाँ चार लोग आराम से आपको अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं आप वो आराम से इसमें जा सकते हैं। हेड स्पेस की बात करें तो हेड स्पेस पीछे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बात करें इसके बैक प्रोफाइल की, बैक प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, वो दी हुई है कनेक्टेड टेल लाइट है, ये भी कंप्लीट एक कनेक्टेड लाइट है, आपको कंप्लीट मिल जाती है यहाँ पे। इसके साथ साथ नीचे क्रोम लाइन भी दी हुई है, यहाँ क्रोम लाइन से भी काफ़ी अच्छा लुक आपको आ रहा है इसका। डीफोगर दिया हुआ है पीछे, आपको मिरर पे दिख रहा होगा ये लाइन से, ये पूरा कंप्लीट डीफोगर का काम करती है इसमें, तो इस तरीके के इसमें फीचर्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बैक कैमरा जो रियर कैमरा है पार्किंग का, वो कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, साथ साथ यहाँ पे MG का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमेट की बैजिंग दी हुई है, इंटरनेट इनसाइट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जितनी भी MG की गाड़ी आती है उसमें इंटरनेट इनसाइट के रिलेटेड फीचर्स जो आते हैं वो सब फीचर्स इस गाड़ी में भी अवेलेबल है। इंटरनेट के अंदर ये है कि आपको MG की तरफ से जियो सावन वगैरह आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। की शेयरिंग है, की शेयरिंग के अंदर आप अपने मोबाइल से दो लोगों को अपनी इसकी की शेयर कर सकते हैं, जब सपोजिट आप 17 फ्लोर पे रह रहे हैं, आप अगर की वहाँ भूल जाते हैं, वहाँ आप नीचे जाके अगर इसको देखते हैं कि मैं की नहीं लाया, तो आप अपने मोबाइल से की शेयरिंग कर सकते हैं, तो मोबाइल से पूरी कार ऑपरेट हो जाएगी आप, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है किसी और को, अगर आपके घर में कोई और मेंबर जो रन कर रहा है बिल्कुल उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करें थोड़ा सा इसका बाहर के स्पेस के बारे में, तो बाहर इनकी बात करूँ तो इसके टायर साइज जो है उसमें 12 इंच की रिम दी हुई है, अलॉय व्हील नहीं दे रहे हैं इसमें ये लोग, व्हील कैप दे रहे हैं, सुपर व्हील कैप मिल जाती है आपको, 12 इंच की रिम है, साथ साथ सीएट के टायर दे रही है कंपनी आपको। टायर की साइज़ बात करूँ तो 145x70 की साइज़ के टायर, इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और बैक में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। यहाँ पे एयरप्लेन विंडो दी गई है ताकि बैक साइड बैठने वाले को बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया बिल्कुल ना लगे। 17.3 किलोवाट की इसमें बैटरी दी हुई है, बैटरी बैक है इसका, कंप्लीट वाटरप्रूफ बैटरी है, तो बैटरी रेंज प्रोवाइड करती है वो करती है, कंपनी के अकॉर्डिंग क्लेम है वो है करीब 230 किलोमीटर के आसपास रन कर जाएगी, रियल रेंज की रियल वर्ल्ड में जो रेंज देगी वो आई थिंक आपको 200 किलोमीटर के आसपास रेंज प्रोवाइड करने वाली है इसको कंप्लीट। ये इसकी जो अभी एक्सशोरूम प्राइस है, एक्सशोरूम प्राइस आ रही है अभी टॉप वेरियंट की आ रही है 9,80,000, एंड देन अगर अपन ऑन रोड पे जाते हैं तो अभी जयपुर के अंदर जो ऑन रोड प्राइस आ रही है वो आ रही है 10,47,000, ठीक है। तो इसमें और भी वेरियंट है या सिंगल वेरियंट है? इसके अंदर तीन वेरियंट आते हैं, बेस वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग रेट होती है 7,98,000 एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड पे जाएंगे तो 8,40,000 की इसकी ऑन रोड प्राइस। तो ये था कंप्लीट एक ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल कॉम्पैक्ट ईवी के बारे में जो हमने बात की आज। उम्मीद करते दोस्तों आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेरी आपके इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।